नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे जो फ्रेंड्स 2014 से पहले जॉब कर रहे थे, मतलब 2013, 12, 2009, 10 इस टाइप से, मतलब जिनकी ज्वाइनिंग 2014 से पहले थी, तो उनको सिर्फ पीएफ नंबर ही दिए जाते थे, यूए नंबर नहीं दिए जाते थे। जो अपने यूए नंबर अलाउड हुए हैं वो 2014 के बाद यूए नंबर अलाउड हुए हैं, मतलब आपको जो पीएफ अब ट्रैक कर सकते हैं वो यूए नंबर के द्वारा ट्रैक कर सकते हैं 2014 के बाद। मगर 2014 से पहले आपका जो पीएफ ट्रैक होता था वो आपका पीएफ नंबर के थ्रू ट्रैक होता था। तो दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि अगर आप अपना पीएफ को निकालना चाहते हैं तो अपने यूएन नंबर का ही यूज कर सकते हैं, मगर जिनका 2014 के पहले यूएन नंबर नहीं बना था, तो आज की वीडियो में जानेंगे कि आप यूएन नंबर अपना कैसे जनरेट कर सकते हैं मात्र 5 मिनट की वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों अपने यूएन नंबर को अलॉट करने के लिए, यूएन नंबर को क्रिएट करने के लिए आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी वो होगा आपका पीएफ नंबर। मगर जिन फ्रेंड्स के पास पीएफ नंबर ही नहीं है तो उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिसके द्वारा आपका पीएफ नंबर मिल जाएगा। तो आज वीडियो डिटेल में जान लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट और है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को यार जरूर सब्सक्राइब कर लेना आगे भी इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। तो फ्रेंड्स अपने सर्च इंजन में यहाँ टाइप करेंगे यूएन लॉगिन, आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन आएगा यूएन एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपके सामने पॉपअप आएगा, आप स्किप कर देंगे। तो फ्रेंड्स आपके सामने इस टाइप की प्रोफाइल ओपन हो क्या आएगी, यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन शो होता होगा यूएन अलाउड फॉर एक्सेप्शन पीएफ, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही फ्रेंड्स आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप की कुछ प्रोफाइल ओपन हो क्या जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना एक फोन नंबर इंटर करना होगा, वो फोन नंबर इंटर करना होगा जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक होगा। तो यहाँ रखना है यहाँ पे फोन नंबर लिंक कर लेंगे, आपके सामने ये कैप्चर है, कैप्चर फिल करके गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो आपके आधार नंबर पर एक ओटीपी का ओटीपी यहाँ फिल करना होगा, देन आपको वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। अगर आपके पास ओटीपी नहीं पहुंचता है तो आपको रिसेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, आपके सामने दूसरा ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। तो फिलहाल मेरा ओटीपी आ चुका है, इसको वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई करने के बाद आपके सामने इस टाइप की प्रोफाइल ओपन आके यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ लिखा है डू यू हैव मेंबर आईडी। अगर आपके पास मेंबर आईडी है, मतलब आपकी कंपनी के द्वारा जो मेंबर आईडी दी जाती थी, सैलरी स्लिप होती थी, तो आपको उसमें मेंबर आईडी होती है। अगर आपके पास मेंबर आईडी है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अगर आपके पास मेंबर आईडी नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे। तो फिलहाल मैं बता देता हूँ कि जिनके पास मेंबर आईडी है उनको कैसी प्रोसेस करनी होगी, देन उसके बाद बताता हूँ किसी के पास अगर मेंबर आईडी नहीं है तो अपनी कैसे मेंबर आईडी जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि 2014 के पहले मेंबर आईडी थी नहीं थी, हो सकता है वो भूल गए हो तो उनको आईडिया नहीं होगा, कोई सैलरी स्लिप भी नहीं होगी, तो आपको बता देंगे कि किस प्रकार से अपना मेंबर आईडी आप निकाल सकते हैं। जो ज्यादातर फ्रेंड्स होंगे उनके पास यही प्रॉब्लम होगी कि उनके पास मेंबर आईडी नहीं होगी तो फिर आप कैसे निकाल सकते हैं। तो फिलहाल पहले बात कर लेते हैं कि जिनके पास मेंबर आईडी है उनको क्या प्रोसेस करनी होगी। यहाँ पे यस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो जैसे फ्रेंड्स आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप की प्रोफाइल आएगी, यहाँ पे आपको मेंबर आईडी एंट्री करनी होगी। फ्रेंड्स यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, आपको मैनुअली फिल करना होगा और सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं आपकी यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल शो करेगा, यहाँ पे आपको क्रॉस करके देगा, पूरी डिटेल नहीं देगा। तो यहाँ पे एक मेंबर है, मेंबर आईडी जनरेट हो जाएगी, वो मेल है फीमेल क्या है उनको शो हो जाएगा आपका। यहाँ पे आपका नाम दिया होगा, कैंडिडेट नाम दिया होगा, आप मैच कर लेंगे कि लास्ट के आपको दो अक्षर दिख रहे हैं AL दिख रहे हैं और स्टार्टिंग का S डिजिट दिख रहा है, मतलब आपको टोटल नाम नहीं दिखेगा। यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि जो आपने मेंबर आईडी फिल की है ये आप किस मेंबर आईडी की, इसके द्वारा हम ट्रैक कर लेंगे। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ भी देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या होगी और आपका जो रिलेशन होगा, आपको जो पीएफ में आपको रिलेशन डाला है कि आप हस्बैंड है या फादर है, यहाँ पे आपको फादर नेम भी शो हो जाएगा कि इस प्रकार से। मगर आपको डिटेल आपको पूरी नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको थोड़ा हिंट दे दिया जाएगा। अगर आपकी डिटेल मैच करती है तो आपको क्या करना होगा, इंटर योर आधार, आपको आधार नंबर यहाँ एंट्री करना होगा, कैप्चा फिल करना होगा और गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा और आपका इस प्रकार से आपका यूएन नंबर को अलाउड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं जिन फ्रेंड्स के पास मेंबर आईडी नहीं है, भूल चुके हैं, उनको पता ही नहीं था कि मेंबर आईडी क्या होती है, तो उनके लिए फिर क्या प्रोसेस करनी होगी। फिलहाल तो जो लास्ट प्रोसेस है वो प्रोफाइल इस टाइप की ही ओपन होकर आएगी और उसके पहले आपको मेंबर आईडी को जनरेट करना होगा। तो आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहाँ तक कि मैंने आपकी प्रोफाइल बता दी थी कि आपको क्या ऑप्शन पर क्लिक करना था, दोबारा अपने अकाउंट को लॉग इन करके इस टाइप से आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आपके मेंबर आईडी नहीं है तो आपको इस ऑप्शन पर नो पर क्लिक करना होगा। जैसे आप नो पर क्लिक करेंगे आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब जो प्रोफाइल ओपन होकर आएगी आपके सामने इस टाइप की आएगी, यहाँ पे आपको मेंबर आईडी डालनी होगी। आपको मेंबर आईडी तो पता ही नहीं है, आपको क्या करना होगा, आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा आप किस स्टेट से थे। आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे कि मान लो उत्तर प्रदेश से हैं। उसके बाद आपका पीएफ ऑफिस कौन सा था, जो भी आपका पीएफ ऑफिस होगा आपको उसको सिलेक्ट कर लेंगे कि आपकी स्टेट में आप कौन से पीएफ ऑफिस में आपकी कंपनी पैसा जमा करती थी। मान लो मैंने मेरठ सेलेक्ट कर लिया एग्जाम्पल के लिए, तो ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे मेरठ का एक स्टार्टिंग कोड आपको शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक नंबर फिल करने होंगे, तो नंबर फिल करने के लिए
क्या होता, आपको अपना पीएफ नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। पीएफ नंबर आपको पता है तो आपको उसके पहले के डिजिट आपको 00 फिल कर सकते हैं। पीएफ नंबर आप उल्टा यहाँ फिल कर देंगे, जो भी आपका होगा उसके पहले आपको 0 फिल करने होंगे। 0 कितने फिल करने होते हैं, आपकी मेंबर आईडी किस टाइप से होगी, यहाँ पे आपको एक डेमो दिखा देते हैं। मान लो आपका ये मेंबर आईडी है, तो मेंबर आईडी है ये आपकी मेंबर आईडी कंपनी के कोड होता है यहाँ पे। उसके बाद आपका स्टेमलेस आईडी होती है, मतलब आपकी जो कंपनी है उसकी भी एक आईडी होती है। तो ये आईडी और ये आईडी, इन दोनों को मिलाकर ही आपकी मेंबर आईडी क्रिएट कर दी जाती है। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक आइडिया लग जाएगा कि मेंबर आईडी में कितने डिजिट है। यहाँ पे आपको होगा जो स्टार्टिंग का होता है वो पीएफ नंबर ही होते हैं आपकी, जो स्टेमलेस आईडी में होते हैं। तो फ्रेंड्स आपके पास पीएफ नंबर होगा तो पीएफ नंबर के आप लास्ट डिजिट चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपना पीएफ नंबर फिल कर देंगे। अब आपको आइडिया नहीं होगा कि बीच में मुझे ऐसे कौन से डिजिट फिल करने होंगे जिसके द्वारा मेरा मेंबर आईडी क्रिएट हो जाए। तो आपके लिए फिर करना क्या होगा, आप उस कंपनी में अगर कोई और भी एम्प्लॉय जॉब करता है तो उसकी मेंबर आईडी आप देख लेंगे, या मान लो आप उसी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपकी एक मेंबर आईडी बन जाती है। उन मेंबर आईडी में आपके स्टार्टिंग के लेटर सबके एम्प्लॉय के सेम होते हैं, सिर्फ आपका जो पीएफ नंबर होगा वही सिर्फ चेंज होता है, बाकी बीच के डिजिट लगभग सेम होते हैं। या फिर इस पीएफ ऑफिस में जिन भी कंपनियां होंगी उनके भी आपके स्टार्टिंग के लेटर मैच करेंगे, तो इसके द्वारा अपनी मेंबर आईडी को क्रिएट कर लेंगे। थोड़ा सा आपको इसमें रिसर्च करना होगा, आप कंपनी से बात कर लेंगे, आप किसी भी फ्रेंड्स का उस कंपनी में जॉब करते हैं उनका मेंबर आईडी ले लेंगे, तो उनके आईडी से आपको मैच कर लेंगे कि बीच में आपके कौन से डिजिट फिल करने हैं, और आपका पीएफ नंबर यहाँ फिल कर देंगे। तो आप यहाँ पे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आपको एग्जाम्पल दिखा देते हैं कि मैंने एक मेंबर आईडी क्रिएट की, मैंने कंपनी से बात की, तो मुझे उस कंपनी में दूसरे एम्प्लॉय का मुझे पीएफ नंबर मिल गया, मेंबर आईडी मिल गया, तो मैंने यहाँ पे डिजिट फिल कर दी। यहाँ पे आपको देखना उतने ही डिजिट फिल करने हैं, जहाँ पे एक कैप्चा में आपको डिजिट आएंगे, नेक्स्ट कैप्चा में आपको नेक्स्ट डिजिट फिल करने होंगे। इसमें जितनी भी डिजिट आएंगे आप फिल कर देंगे। मोस्टली इसमें जो डिजिट होते हैं वो आप 0-0 ही होते हैं, तो इसमें जितने 0 आ सकते हैं आप फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके सामने दूसरे ऑप्शन को क्लिक करेंगे, नेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने जो डिजिट बच जाते हैं उनको आप फिल कर देंगे, और ये डिजिट फिल करने के बाद आपके सामने सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं एक आपकी डिटेल शो हो जाएगी प्रोफाइल में। आपको यहाँ देख लेंगे कि आपका नाम क्या था, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, आपके फादर नेम क्या था, या आपका रिलेशन क्या था। इस प्रकार से आप आधार नंबर फिल करेंगे, देन आपके सामने कैप्चा शो होगा, इस कैप्चा को आप यहाँ फिल कर देंगे, गेट ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। अब बात कर लेते हैं इसके आगे की प्रोसेस के बारे में। आपको अपनी मेंबर आईडी मिल चुकी है, ये होती है आपकी स्टार्टिंग की मेंबर आईडी, इस टाइप से होगी। या मान लो किसी दूसरे फ्रेंड्स की भी मेंबर आईडी देख लेंगे तो आपका यहाँ पे आइडिया लग जाएगा कि कितने डिजिट आपको फिल करने हैं। लास्ट का सिर्फ अपना पीएफ नंबर ही आपको फिल करना है। पीएफ नंबर फ्रेंड्स क्या होता है, बहुत से एम्प्लॉय की जो पंचिंग करते हैं या जो मेंबर आईडी होती है उनका एम्प्लॉयर कोड भी उनकी पीएफ नंबर बना दिया जाता है। हो सकता है फ्रेंड्स जो आपका पीएफ नंबर था, जो आपका एम्प्लॉय कोड था, वही आपकी पीएफ नंबर हो। तो फ्रेंड्स हम दोनों माध्यम से अपना इस ऑप्शन पर आ चुके हैं। आपको इस टाइप प्रोफाइल को होगा, यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करना होगा, देन आपको कैप्चा फिल कर गेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा, और गेट ओटीपी से पहले आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा कि मैं अपने ओटीपी को जनरेट करने की अथॉरिटी देता हूँ। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे पूछेगा एन ओटीपी सेंड योर आधार नंबर लिंक मोबाइल नंबर, मतलब जो आपका ओटीपी सेंड किया जाएगा वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगी। अगर आधार कार्ड से फोन नंबर लिंक नहीं है तो पहले आपको आधार कार्ड से फोन नंबर लिंक करवाना जरूरी है। आपके आधार कार्ड से फोन नंबर लिंक है, आपको ओके पर क्लिक करेंगे, आपका आधार कार्ड पे एक ओटीपी सेंड कर दिया गया है, आपको ओके पर क्लिक करना होगा, और आपको ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंटर ओटीपी, आपको अपना ओटीपी फिल करना होगा जो भी आपके आधार कार्ड वाले फोन नंबर पर आया हुआ है। आपने ओटीपी फिल कर दिया, देन आपको सबमिट करना होगा। तो फ्रेंड आपके सामने इस टाइप का एक नोटिस आएगा कि यूएन विल बी एलोकेटेड अगेंस्ट प्रोवाइडेड मेंबर आईडी इफ नॉट एलोकेटेड प्रीवियस, इस टाइप से आपका मैसेज होगा। तो इसका मतलब यह है कि आपके जो अपने डिटेल डाली है, अपने मेंबर आईडी डाली है, और आपने जो आधार कार्ड डाला है, अगर इस डिटेल से आपका पहले भी कोई अगर यूएन नंबर जनरेट कर दिया गया है तो आपको फिर यूएन नंबर नहीं मिलेगा। अगर आपका कोई भी यूएन नंबर जनरेट नहीं किया गया है तो आपका इसका यूएन नंबर मिल जाएगा। तो फिलहाल हमें ओके पर क्लिक करना होगा। जैसे ही फ्रेंड्स ओके पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा ही आपका टाइम लेगा, आपकी डिटेल को फेच करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं इस मेंबर आईडी से, जो आपकी मेंबर आईडी फिल की है, इस मेंबर आईडी से पहले ही आपका यूएन नंबर अलाउट कर दिया गया है। यहाँ पे आपको यूएन नंबर के लास्ट के डिजिट दिखा दिए जाएंगे, लिखा है ना। अगर आप इसमें कोई भी फर्दर क्वेरी करना चाहते हैं तो आपका रेफरेंस नंबर भी जनरेट कर दिया गया है, मतलब आपकी ग्रीवेंस टाइप की कंप्लेन भी दर्ज हो चुकी है इस टाइप से। अब आपको फ्रेंड्स ये देखना क्या है, अगर आपका यूएन नंबर अलाउट नहीं हुआ होगा तो आपके पास यूएन नंबर मिल जाएगा, और आपका यूएन नंबर अलाउट हो गया है
तो आपको यहाँ पे यूएन नंबर जनरेट कर दिया जाएगा। यहाँ लिखा है एन एस एम एस योर यूएन इज सक्सेसफुली सेंड योर मोबाइल नंबर, आपके इस मोबाइल नंबर पर आपका यूएन नंबर सेंड कर दिया जाएगा। कब? जब आपका यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं हुआ होगा, आपको नहीं मिला होगा, अलाउड नहीं किया गया होगा। यहाँ पे इनको यूएन नंबर पहले ही मिल चुका है, मैंने सिर्फ वीडियो के पर्पज से आपको इसकी जानकारी दी, इसलिए आपको यहाँ पे नहीं शो हो रहा। जिनका अलाउड नहीं हुआ होगा उनको शो हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अपना यूएन नंबर जनरेट कर सकते हैं जिनकी जॉब 2014 से पहले की होगी। तो दोस्तों वीडियो बहुत हेल्पफुल थी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो अभी भी तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, वहां मुझे मैसेज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब को स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए, आपकी प्रॉब्लम के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। मिलते हैं आपसे नए टॉपिक और नए वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।